तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे, क्या आप कंपनी को इमीडिएटली छोड़ सकते हो? मतलब आपने आज रिजाइन डाला और कल से आप कंपनी को छोड़ दो, क्या ये पॉसिबल है, क्या ऐसा हो सकता है? उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली होता है कि दोस्तों अभी क्या चल रहा है कि उनको जो बंदा चाहिए होता है, जो कंपनीज बंदा हायर कर रही होती हैं, उनको बंदा 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में ही चाहिए। लेकिन उनका खुद का नोटिस पीरियड 3 महीने का है, 2 महीने का है, 45 डेज का है, मतलब खुद का नोटिस पीरियड 60 दिन, 90 दिन का है, पर वो बंदा जो हायर कर रहे हैं वो उनको 10 दिन में, 15 दिन में चाहिए। कहाँ ये पॉसिबल है? ऐसा मतलब बहुत कम केस में होता है, बट कंपनीज कई बार एग्री कर जाती हैं अगर इवन आपका 90 डेज का नोटिस पीरियड है, उसके बाद भी। मैं एक पर्सन हूँ और मैंने XYZ में मैं जॉब करता हूँ और वहाँ पर मैंने रिजाइन डाला, मुझे कंपनी इमीडिएट इफेक्ट के साथ छोड़नी है, कि मतलब मैंने आज रिजाइन डाला, 2, 4, 5 या 10 दिन में मान के चलते हैं कि मुझे छोड़नी है। तो उस केस में दो तरीके होते हैं। पहला क्या कि हो सकता है अगर 2, 4, 5 दिन में आपकी रिप्लेसमेंट से किसी बंदे ने आके ज्वाइन कर लिया और आपको अपना जो जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो KRA आपका होता है, वो सारा का सारा उस बंदे को हैंड ओवर कर दिया, तो उस केस में आप कंपनी से छोड़ के जा सकते हो। तो यहाँ पे टोटल डिपेंडेंसी होती है आपके मैनेजर के ऊपर। अगर आपके मैनेजर ने आपको रिलीज़ कर दिया है तो 5, 10, 15 दिन में आप रिलीज़ करके जा सकते हो, अपने आप जबरदस्ती आप नहीं जा सकते हो, एक चीज़ ये भी है। एंड दूसरी जो यहाँ पे चीज़ होती है वो क्या होती है कि ज़्यादातर कंपनीज में, मैं बोलूँगा 95 या 99% कंपनीज में क्या होता है कि नोटिस पीरियड बाई आउट करने का ऑप्शन होता है। मतलब आप कंपनी में नोटिस पीरियड को परचेज कर सकते हो। अब परचेज का कॉस्ट क्या होता है कि कोई सपोज बंदा है, आप जब सैलरी स्लिप में देखोगे तो उसमें सारा कुछ मेंशन होता है आपका, आप बेसिक क्या है, HRA क्या है, DA क्या है, हाउस अलाउंसेस क्या है, तो ये सारी डिटेल आपके सैलरी स्लिप में मेंशन होती है। तो जब आप कंपनी को छोड़ते हो और आप चाहते हो कि नहीं मुझे 15 दिन में छोड़ के जाना है, 20 दिन में जाना है, 1 महीने में जाना है, या 10 दिन में जाना है, वॉट एवर टाइम आपको जो रिक्वायर्ड है एक्चुअली, तो उस केस में क्या होता है कि नोटिस पीरियड को आप खरीद सकते हो। अब खरीदने का कॉस्ट क्या होता है कि आपकी बेसिक सैलरी, जैसे मान लो आपका नोटिस पीरियड 3 मंथ का है, तो आपको बेसिक सैलरी 3 मंथ की पे करनी होगी। अब बेसिक सैलरी क्या है, जैसे मान लो कोई बंदा है, उसकी बेसिक सैलरी 20,000 रुपये है और 3 महीने का उसका नोटिस पीरियड है और वो 15 दिन बाद जाना चाहता है, तो क्या हो गया, 15 दिन हो गए उसके और 15 दिन की ये बेसिक सैलरी 20,000 है, तो 10,000 उसका इस मंथ का हो गया और 20,000 20,000 नेक्स्ट 2 मंथ का हो गया। तो मतलब उसको 50,000 रुपये उस कंपनी को पे करना पड़ेगा, देन वो कंपनी को इमीडिएट छोड़ सकता है, HR एंड मैनेजर अगर एग्री हैं उस पॉइंट पे। एंड यहाँ पे दोस्त मैं पॉइंट और ऐड ऑन करना चाहूँगा कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज में क्या होता है कि जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन कर रहे होते हो और वहाँ पे इमीडिएट ज्वाइन कर रहे होते हो, तो मोस्ट ऑफ द कंपनी मीन्स कि 50-60% अभी के टाइम पे कंपनी ये करने लगी हैं कि जिस कंपनी में आप जा रहे होते हो वो कंपनी आपका नोटिस पीरियड बाई करती है आपकी करंट कंपनी से। तो ये ऑप्शन है, एक बेटर ऑप्शन होता है कि जब भी आप कभी ऐसी सिचुएशन में फंसते हो तो आप अपनी जिसमें आप स्विच करने वाले हो उस कंपनी को अप्रोच करो और उनको बोलो कि आप मेरी करंट कंपनी से नोटिस पीरियड बाय कर लो, मैं आपके साथ इमीडिएट ज्वाइन कर लूँगा। तो ये वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट होता है और ये कुछ तरीके होते हैं जहाँ से आप इमीडिएट इफेक्ट पे छोड़ सकते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। बट हाँ, इन द लास्ट आपको HR को अप्रोच करना होगा और उनके अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा, अपने मैनेजर को भी अप्रोच करना पड़ेगा और कुछ भी वहाँ पे आप रीज़न दे सकते हो कि क्यों आप इमीडिएट छोड़ना चाहते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने वीडियो में। टेल देम हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।